फर्स्ट पॉइंट माई सेल्फ रिशिका, और सबसे पहले आप लोग को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज आप लोग का दिन कैसा रहा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, दिन भर की मस्ती ख़त्म कीजिए, अब यहाँ पे कुछ हम लोग स्टडी भी कर लेते हैं। ओके, तो चलिए विजन आइज की करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं हमारे दिसंबर मंथ की। तो हमारी इकोनॉमी लेसन भी कंप्लीट हो चुकी है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी फुर्सत में हूँ तो मैं आपको इन्वायरमेंट के लेसन यहाँ पे दे देती हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी में आप लोग देख रहे हो कि तीन लेसन होती है, तो जिस दिन मेरे पास टाइम कम होगी तब मैं इस लेसन को आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आज इन्वायरमेंट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी टोटल 10 टॉपिक है, साथ ही यहाँ पर आपके सब टॉपिक भी है, तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी ये। ओके, तो मैं इसको कवर करती हूँ थोड़ा ज़्यादा, आप प्लीज 35-40 मिनट की ये आपकी जो है वीडियो रहेगी। ओके, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे और भी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले जो मैं आपकी इकोनॉमी से कुछ क्वेश्चंस पूछी थी लेसन से, उसके लिए आपके पास आज आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, साथ ही आपकी जो थर्ड पार्ट की इकोनॉमी के लेसन थी उससे कुछ क्वेश्चंस भी है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। और आप लोग अगर प्रीवियस लेसन नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आप लोग बेटर तरीके से आंसर दे पाओ। और अगर आप लोग को देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में आकर आराम से आप लोग हर एक मंथ की विजन आइज की मैगजीन्स आप लोग देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमी के सेकंड लेसन से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड करी थी, तो चलिए इसका आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था कि फ्यूचर स्किल इनिशिएटिव का एम क्या है, ये आपको बतानी है। सेकंड है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है, इसके बारे में आपको बतानी है। और कुछ आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखनी है, जो कि यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन करने के लिए है, यानी कि कुछ आपको गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की भी देखने को मिलेगी कि वो लोग अपने यहाँ पे कुछ ना कुछ योजना लेकर आते हैं, जिसके थ्रू लैंड जो रिकॉर्ड है, ज़मीन की जो रिकॉर्ड होती है, उसको डिजिटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। तो आइए अब हम लोग आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर स्किल इनिशिएटिव की। ये जो अनाउंस किया गया था ये हैदराबाद में किया गया था, जिससे कि जितने भी आईटी इंडस्ट्री के जो वर्कफोर्स है उनको रीस्किल करना है, और वो भी इस तरीके के टेक्नोलॉजी जो आज के डेट में इमर्ज हो रही है और जो जॉब रोल मिल सके। साथ ही अगर हम लोग प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की बात करूँ, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, जिसमें कि आपके मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात की जा रही है। साथ ही एक अच्छा खासा यहाँ पे आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा, गेट टू रिटेल आउटलेट तक। तो यानी कि ये आपको लास्टली जो है किसान संपदा योजना जो है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि फार्मर्स को बेनिफिट पहुँचाने के लिए इस तरीके की स्कीम लाई गई थी। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस स्टेट में कौन कौन सी यहाँ पे आपकी स्कीम आई थी, जिससे कि लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन कर सके। तो सबसे पहले है भूमि प्रोजेक्ट। भूमि प्रोजेक्ट जो है वो आपकी कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट ने लाई थी, और ये उस कर्नाटक में जितनी भी लैंड है उसके रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने के लिए। सेकंड अगर बात करूँ तो ये भूधर है, ये इस तरीके की जो इनिशिएटिव है ये आंध्र प्रदेश की थी, और इस इनिशिएटिव के अंदर भी यही था कि 11 डिजिट भूधर नंबर दिया जा रहा था सबको, जिनकी भी वहाँ पर लैंड थी। साथ ही थर्ड अगर बात करूँ तो ये महाभुलेख है, ये हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है, जो कि डिजिटल साइन कर रही थी, यानी कि जिनके भी लैंड है उनको यहाँ पर डिजिटली साइन करना है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की भी आपको याद रखना है। कई बार आप लोग को मेंस में भी लिखने में आंसर में लिखने में आपको मदद मिल जाती है, साथ ही इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है अगर आप लोग इस स्टेट से बिलोंग करते हो तो। साथ ही अब आते हैं आप लोग के लिए कुछ यहाँ पर न्यू क्वेश्चन है, जिसकी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। और ये हमारे इकॉनमी थर्ड लेसन से है। फर्स्ट है कि यहाँ पर आपको बतानी कि स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं। सेकेंड है कि विवेक देबरॉय जो कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपको बतानी है। थर्ड आपको बताना है कि क्यों स्टैगफ्लेशन डेंजरस है। कहते हैं कि स्टैगफ्लेशन वाली जो सिचुएशन होती है किसी भी कंट्री में वो बहुत डेंजरस होती है, तो इसके पीछे आपको रीज़न पता होना चाहिए, क्योंकि इसी सिचुएशन से अभी हमारी कंट्री जूझ रही है। तो आप लोग को करेंट क्या चल रहा है और इससे क्या होने वाला इम्पैक्ट है, इम्प्लीकेशन है, आप लोग को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, तो चलिए इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब हम लोग इन्वायरमेंट के लेसन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट की सबसे फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है COP 25। आप लोगों को पता है कि रिसेंटली COP 25 हुई है। कॉप का कहने का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और ये यहाँ पे किसके अंडर में होती है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर होती है, जो कि इस बार आपकी मैड्रिड में कंक्लूड की गई है। और यहाँ पे जो मैड्रिड में हुआ, सबसे पहले ये आपकी जो है चिले में होने वाली थी, लेकिन वहाँ से नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ बैड थी, तो वो बाद में हम लोग देख लेंगे क्यों नहीं हो पाया। लेकिन इसको फिर आपका मैड्रिड में किया गया, लेकिन यहाँ पे जो चिले की आपकी जो चाइल कह लीजिए, चिले कह लीजिए, इसी की प्रेसिडेंसी के अंदर में हुई है। जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें 15th आपकी जो सेशन है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसको भी इंक्लूड किया गया था। यहाँ पे आपकी मीटिंग थी, यानी कि जितने भी आपके पार्टीज़ ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल के थे उनकी भी यहाँ पे मीटिंग थी। साथ ही सेकंड सेशन में आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि यहाँ पे पार्टीज़ जितने भी पेरिस एग्रीमेंट के थे उनकी भी हुई थी। तो ये सारी चीज़ आपको COP 25 में देखने को मिला। अब यहाँ पर हम लोग एजेंडा देखते हैं कि COP 25 की एजेंडा क्या थे। तो COP 25 जो मैड्रिड में हुआ, वो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन FCCC के द्वारा मैंडेट किया गया कि जितनी भी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ है क्लाइमेट पैकेज को लेकर, उसको यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले कार्बन मार्केट डील, यानी कि आप लोग समझ रहे हो
कि कार्बन की इमिशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे कि हमारी ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ती जा रही है। तो कार्बन मार्केट को यहाँ पर डील करनी है, जो कि हमारे पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 में दी गई है। उसके बाद जितना भी हमारा लॉस और डैमेज हुआ है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में, तो हम लोग को एक फ़ंड को यहाँ पर सेटअप करना है, जिसके थ्रू पुअर कंट्रीज़ को मदद मिल सके कि वो किस तरीके से ये जो हमारी क्लाइमेट क्राइसिस है, तो उससे वो किस तरीके से उभर कर आ सके। साथ ही हम लोग को एक नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन को इन्हेंस करना है, वो भी सारे कंट्रीज़ के द्वारा, जिसके थ्रू हम लोग इमिशंस को कर्व कर सके, यानी जो इमिशंस हो रही है कार्बन की उसको हम लोग रोक सके। तो अब देखते हैं कि लॉस एंड डैमेज जो यहाँ पे कहा जा रहा है, तो इसके बारे में क्या बातें होती है। तो लॉस एंड डैमेज के बारे में हम लोग डिटेल देख लेते हैं, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत है। तो लॉस एंड डैमेज में क्या होता है कि जितने भी रिच कंट्रीज़ होते हैं, जो कि जिसमें कि रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा है, जिनको हम लोग डेवलप कंट्रीज़ भी कहते हैं, तो उनकी ये हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाइमेट चेंज को लेकर, और वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को इस तरीके से यहाँ पर हेल्प करते हैं, जो भी यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से अगर जूझ रही है। तो साथ ही अगर हम लोग वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म में देखें, जो कि लॉस एंड डैमेज में थी, तो वो 2013 में आई थी, और यहाँ पे जितनी भी लॉस एंड डैमेज हुई थी, यानी कि जो भी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला था क्लाइमेट चेंज के कारण, तो उस सारे बातों को यहाँ पे रखा गया था। वहीं अगर पेरिस एग्रीमेंट 2015 की देखें, तो यहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ जो थी वो एग्रीड हो गई थी कि इस एग्रीमेंट में, यानी कि जो लॉस एंड डैमेज यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ को जितनी भी यहाँ पे लॉस एंड डैमेज देखने को मिल रही है, वो भी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से, तो वो यहाँ पे इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कंपेंसेशन भी दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू हुआ, बहुत ज़्यादा डिबेट निकल कर आ रही थी इस तरीके से लॉस एंड डैमेज के ऊपर। तो अब देखते हैं कि इसके बारे में क्या बातें हैं। तो नेगोशिएशन जो लॉस एंड डैमेज के ऊपर हो रही थी, वो भी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन FCCC के तहत, तो वो स्टक हो गया था। तो स्टक किस चीज़ में हुआ था? क्लाइमेट जस्टिस के डिमांड को लेकर, और ये कंपेंसेशन के रूप में इसको अंडरस्टूड किया गया। उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रीम और जो स्लो ऑनसेट इवेंट रिस्क है, उसको यहाँ पे बढ़ाया गया। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ भी जो है इस चीज़ को कंसीडर कर रही थी, कि जितने भी यहाँ पे डिफरेंट आपके अडेप्टेशन हैं, उसी से लॉस एंड ये जो आपका डैमेज है उसी को देखा जाएगा। तो यहाँ पे इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट भी रखी गई, स्पेशली जो भी माइक्रो इंश्योरेंस है, रीजनल जो पूल्स है, उनको रखा गया कि किस तरीके से यहाँ पे रिस्क रिड्यूसिंग का काम किया जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई थी। ओके, लेकिन अब हम लोग समझते हैं जो COP25 हुई थी, इसके ऊपर फोकस कीजिएगा कि COP25 जो हुई थी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर हम लोग पेरिस एग्रीमेंट की बात करें, जो कि यहाँ पे 1 जनवरी 2020 से आने वाली है, और ये COP25 के जैसा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि किस तरीके से हम लोग पेरिस एग्रीमेंट की जो रूल बुक है उसको फाइनलाइज़ कर सके। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें क्लाइमेट क्राइसिस को देखें, तो ये एक क्लाइमेट इमरजेंसी है, जो कि हम लोग कल भी देखे थे कि बहुत सारी ऐसी स्टेट है, जो कि कल नहीं मॉर्निंग वाले हम लोग वीडियोस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्लाइमेट इमरजेंसी को लेकर। तो काफ़ी ऐसी स्टेट है यूरोपियन यूनियन की और यूरोपियन यूनियन के बाहर भी, जो कि अपने कंट्रीज़ में क्लाइमेट इमरजेंसी को उन्होंने डिक्लेयर करा है। तो यहाँ पे क्लाइमेट इमरजेंसी है, जो कि यहाँ पे लिमिट कर रही है हमारे ग्लोबल टेम्परेचर को, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, और हम लोग को कार्बन न्यूट्रलिटी लेकर आना है, वो भी 2050 तक, और रिड्यूस भी करना है ग्रीन हाउस गैसेस को, वो भी 45% तक, जो भी हमारे 2010 में था। तो इससे रिलेटेड 2030 तक हम लोग को 45% तक जो कार्बन की इमिशन है उसको कम करना है। साथ ही आप देखते हैं कि की आउटकम क्या निकल कर आया, यानी कि इस तरीके से आपका मीटिंग से क्या यहाँ पर आपका निकल कर आई है आउटपुट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो चिले मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन डॉक्यूमेंट निकल कर आई है, यानी कि यहाँ पे जो सबसे पहले बात हुई है कि हम लोग इमिशन को किस तरीके से रिड्यूस करेंगे, यानी कि इसमें आपका देखने को मिला कि रादर देन स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, यानी कि स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज के अलावा यहाँ पे एक क्लियर टाइमलाइन रखा गया है नेशंस के लिए कि वो अपनी जो ये NDC है उसको यहाँ पे इन्हेंस करेंगे 2020 तक, और ये यहाँ पे जो है इनविटेशन दिया गया था जितने भी पार्टीज़ हैं तो वो कम्युनिकेट करें। तो यहाँ पे अर्ग किया गया है पार्टीज़ को कि इस तरीके के गैप को वो कंसीडर करें और रिकम्युनिकेट करें, अपडेट करें अपने NDC को, और इसमें जो है वो एक फिक्स टाइमलाइन को स्पेसिफाई नहीं करेंगे। तो इमिशन रिडक्शन के ऊपर बात हुआ, लॉस एंड डैमेज के ऊपर बात हुआ, यानी कि जो फाइनल डिसीजन है लॉस एंड डैमेज का, वो यहाँ पे आपका डेवलपिंग नेशंस के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, लेकिन कुछ जो स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज है वो लॉस्ट हो चुकी है, जैसे कि स्पेशल कॉल अगर हम लोग यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें, तो उनकी सपोर्ट को यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। फाइनल जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे ज़रूरत है कि नोट करें कि GCF जो है वो ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है कुछ एक्टिविटीज़ को, और अगर हम लोग देखें तो सैंटियागो नेटवर्क भी है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था, और ये WIM का पार्ट है, वार्सो इंटरनेशनल का भी ये पार्ट है, जो कि टेक्निकल असिस्टेंस को भी ये कैटलाइज करेगी, जो भी ज़रूरत होता है मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ वगैरह को।
फिर यहाँ पे बात हुआ आपका क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर, क्योंकि क्लाइमेट फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है इस तरीके से टारगेट को मीट करने के लिए उनको फ़ंड वगैरह की ज़रूरत होती है, तो इसको भी मीट कराना है। कार्बन मार्केट की तरफ से देखें तो यहाँ पे आपका जो है जितनी भी मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी। और यहाँ पे जो पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 है जिसमें कि कार्बन मार्केट के बारे में बात किया जा रहा है कि कार्बन की जो इमिशन है उसको कम करना है और कार्बन का जो कंसनट्रेशन है उनको कम करना है। साथ ही यहाँ पे जेंडर एक्शन प्लान लिया जा रहा है, यानी कि जो डिसीजन है वो यहाँ पे न्यू 5 ईयर जेंडर एक्शन प्लान के तर्ज पे लिया जा रहा है, जो कि यहाँ पे जेंडर रिलेटेड जितनी भी डिसीजंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे आपका सपोर्ट किया जाएगा। और यूनाइटेड नेशन FCCC की जो प्रोसेस है उसको भी यहाँ पे मैंडेट की जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं वो कार्बन मार्केट के बारे में देखने वाले हैं। तो कार्बन मार्केट क्या होता है? एक तरीके का टूल है जो कि क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम को यहाँ पे टैकल करेगी, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस हमारे एटमोसफेयर में एक्सेस हो चुकी है उसको कम किया जाएगा, एकोमुलेट किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रिडक्शन कर चुके हैं इमिशन का, ये एक तरीके का आर्गूमेंट है जो कि कार्बन ट्रेडिंग के पीछे हो रहा है, और ये बेस्ट वे है जिसके थ्रू हम लोग क्लाइमेट एक्शंस को ले सकते हैं और जो भी रिड्यूस इमिशन है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही अगर हम लोग पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 देखें तो इसके अंदर 3 सेपरेट मैकेनिज्म रखा गया है, जैसे कि वॉलेंट्री यहाँ पे कॉपरेशन है जो कि क्लाइमेट गोल के लिए है, 2 बेस्ड ऑन मार्केट है, और 3rd बेस्ड जो है वो नॉन मार्केट अप्रोच के ऊपर है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें की गई है। सबसे पहले अगर हम लोग कार्बन मार्केट देखें ये पेरिस एग्रीमेंट के तहत, तो यहाँ पे पहली है कि मार्केट आपकी मैकेनिज्म है, ये आर्टिकल 6.2 है। तो यहाँ पे एक कार्बन मार्केट को सेटअप किया जाएगा जो कि कुछ कंट्रीज़ को यहाँ पे अलाउ की जाएगी कि वो अपने एक्स्ट्रा इमिशन जो रिडक्शन है उसको बेच दें, जिसको हम लोग इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम कह रहे हैं। और ये यहाँ पे आपका अचीव किया जाएगा और उसको फिर नेशनली जो डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन टारगेट है उसको यहाँ पर कंपेयर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ, अगर एक कंट्री है जो कि कमिट कर रही है कि वो यहाँ पे अपनी रिडक्शन करेगी, यानी कि इमिशंस को 100 आपका 30 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिशंस है इक्विवेलेंट है उसको यहाँ पे कम करेगी, बट एक्चुअली वो रिड्यूस कितना करवा रही है, तो 100 टन जो है वो रिड्यूस कर पाएगी। तो इससे क्या होगा कि इनके पास जो है कर पा रही है 110, लेकिन वो कर रही है कितना, तो वो यहाँ पे कमिट की है कि 100 ही करेगी, यानी कि इनके पास 10 एक्स्ट्रा है, 10 टन जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इक्विवेलेंट है वो इनके पास एक्स्ट्रा है। तो ये क्या करेगी ना कि ये इसको सेल कर देगी, वो भी दूसरे कंट्री को जो कि यहाँ पे मैनेज नहीं कर पा रहे अपने टारगेट को सेट करने में। तो इस तरीके से भी यहाँ पे आपका रखा गया है एक मैकेनिज्म है, ये मार्केट मैकेनिज्म है, ये वॉलेंट्री डायरेक्ट बायलेटरल कॉपरेशन है जो कि कंट्रीज़ के बीच में, और यहाँ पे बस एक ही एम है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, और यहाँ पे एक इंटीग्रिटी और इन्वायरमेंटल जो इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर करके। सेकेंड जो यहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म 2 है ये आर्टिकल 6.4 है। यहाँ पे जो आपका मैकेनिज्म है इससे क्या होगा कि एक न्यू इंटरनेशनल कार्बन मार्केट बनाया जाएगा जिसमें कि जो भी यहाँ पे कार्बन की इमिशंस को कम कर रहे हैं उनको ट्रेड किया जाएगा, उनके ऊपर व्यापार करना है, और कहीं भी जो ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ये आपका इंक्लूड है। ये जो न्यू मार्केट है इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मार्केट कह रहे हैं, जो कि हमारे CDM है इसको रिप्लेस करेगी। वहीं अगर हम लोग बात करें जो यहाँ पे ये OMGE है, इसकी डिलीवरी अगर हम लोग देखें तो ये काफ़ी रिक्वायरमेंट है हमारे SDM के लिए, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मार्केट के लिए। इसका ये मतलब है कि जो मिटिगेशन है वो यहाँ पे हमारे जितना भी हैपन हो पाएगा, जितना भी हो पाएगा उसके बियॉन्ड जा सकता है। और साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक यूनिक आस्पेक्ट है इस मैकेनिज्म का कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसको मोबिलाइज़ किया जाएगा कि वो क्लाइमेट चेंज जो मिटिगेशन है उसमें वो पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पे आपका इनबॉक्स भी कुछ न्यूज़ दिया हुआ है जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपका कहा गया था कि 3 यहाँ पे मैकेनिज्म है, एक वॉलेंट्री कॉपरेशन है, एक हमारी मार्केट के बेस्ड पे है, और एक हमारी नॉन मार्केट अप्रोच है। तो ये नॉन मार्केट अप्रोच क्या है ये देख लीजिए। मार्केट अप्रोच हम लोग देख लिए है जो कि 2 तरीके का है, आर्टिकल 6.3 है और 6.4 है। तो यहाँ पे हम लोग आर्टिकल 6.8 देख लेते हैं जो कि नॉन मार्केट अप्रोच को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रही है, और हमारी जो क्लाइमेट चेंज से या फिर जो हमारी कार्बन इमिशन को जो कम करना है उसके लिए यहाँ पे हमारे जो इशू है उसको यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा, जैसे कि मिटिगेट कैसे करना है, अडेप्ट कैसे करना है, फाइनेंस कैसे करना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें किया जाएगा जहाँ पे आपका कोई भी ट्रेड इन्वॉल्व नहीं है। मार्केट मैकेनिज्म क्या था कि इसमें ट्रेड किया जा रहा था, लेकिन इसमें नॉन मार्केट अप्रोच में आपका ट्रेड इन्वॉल्व नहीं है, व्यापार किसी भी तरीके का नहीं होगा, किसी भी तरीके का कार्बन इमिशन अगर कम हो रहा है तो उसको यहाँ पे बेचा नहीं जाएगा। इससे क्या है कि यहाँ पे सिमिलर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है उन सब के ऊपर जो कि आर्टिकल 6.2 और 6.4 में है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग का एलिमेंट आपका इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो बस ये डिफरेंस है मार्केट और नॉन मार्केट के ऊपर।
अब यहाँ पे एक OMGE है जिसको हम लोग ओवरऑल मिटिगेशन कह रहे हैं ग्लोबल इमिशन में। तो करेंटली अगर हम लोग देखें तो इंटरनेशनल कार्बन मार्केट आपका मैकेनिज्म है जो कि इस रूल्स के अंदर आपका ऑपरेट किया जाता है जो भी क्योटो प्रोटोकॉल सेट करती है, और ये एक जीरो सम गेम के जैसा यहाँ पे प्रिंसिपल पे होती है जो भी एटमोसफेयर में। तो इसका मीनिंग है कि कोई भी आपका नेट रिडक्शन नहीं होगा ग्लोबल इमिशन में, और ये आपका जो है एज अ रिजल्ट होगा जिसमें कि पार्टीज के बीच में इसको ट्रांसफ़र की जाएगी। ओके, तो बस ये हल्का फुल्का आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, इतने डिटेल में जानने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो है आर्टिकल 6 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब से हम लोग ये स्टार्ट किए हैं डिस्कशन तब से आर्टिकल 6 देख रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट की। तो इसमें क्या है ना कि एक सिस्टम है जो कि हायर एम्बिशंस जो कंट्री में है उसको अलाउ करती है कि वो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे मिटिगेट करे, अडेप्ट करे कुछ एक्शंस, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करें, और हमारे इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी पे काम करें। यानी कि ऐसा हमारे डेवलप करके चलना है कि हमारे इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, साथ ही हमारे जितने भी लोग हैं उनकी नीड आज के डेट में फुलफ़िल हो जाए, साथ ही आगे आने वाले जनरेशन को भी सारी चीज़ें यहाँ पर एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। तो इससे क्या होगा कि हमारा इमिशन जो है कार्बन का वो दो तरीके से यहाँ पर कम होगा। सबसे पहला है कि OMGE जो है इसके प्रिंसिपल अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मार्केट की तरफ से देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल है कि हम लोग जितना ऑफसेट लगा रहे हैं यानी कि जितना हम लोग को मिनिमम लेवल पर लेकर आना है हमारी कार्बन इमिशन को, तो उसके बियॉन्ड भी हम लोग जा सकते हैं। सेकेंड है कि जो ट्रेडिंग है वो हमें जो इस तरीके का बेचने वाला जो यहाँ पे फंडा है कि कार्बन इमिशन को आपको बेच देना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा कार्बन इमिशन जो रिड्यूस करने की बात की जा रही है ये और भी ज़्यादा ईजियर होगा और चीपर होगा उन कंट्री के लिए जो कि अपने टारगेट को यहाँ पर मीट करना चाहती है। ओके, ये बहुत ही अच्छा है। अगर हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के द्वारा देखें तो कुछ जो 96 कंट्री क्लाइमेट प्लेज ले रही है और वो यहाँ पे हाफ ऑफ द NDC की है, और वो यहाँ पे कार्बन प्राइसिंग इनिशिएटिव को यूज़ भी कर रही है। अगर हम लोग इंटरनेशनल एनर्जी ट्रांसफ़र एजेंसी के हिसाब से देखें तो ये जो ट्रेडिंग है ना इससे हमारी 250 बिलियन जो डॉलर है हर एक साल जो है 2030 तक ये हमारी सेव हो पाएगी। तो इससे क्या है कि फर्दर हम लोग इमिशन कट के ऊपर जो है और ज़्यादा मनी को इन्वेस्ट कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि शेयर होगा, शेयर ऑफ द प्रोसीड है जो कि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर इसको जनरेट किया गया, और इससे हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज पार्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज करा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको मदद भी कर सकते हैं, साथ ही उन सारे कंट्रीज़ को कर सकते हैं जिनकी सिचुएशन बहुत ही बुरी है और बहुत ज़्यादा वो अफेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। साथ ही अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 6 जो है एक मीन ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग क्लाइमेट कमिटमेंट ये प्रोवाइड करती है बिजनेस की तरफ से, और ये वाइडर लेवल पे प्रोवाइड करती है। लेकिन कुछ भी आप कह लो यहाँ पे कुछ की इश्यूज़ है जो कि आर्टिकल 6 से रिलेटेड है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हमेशा इश्यूज़ रह जाता है। सबसे पहला है कि हमें यहाँ पे डबल जो काउंटिंग है उसको अवॉइड करना होगा। यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बताया गया है कि डबल काउंटिंग और कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट क्या होता है। डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए, ट्रैकिंग कंट्रीज़ प्रोग्रेस यानी कि ये NDC के ऊपर ट्रैक किया जाता है जो कि ऑफन जो है आपका कंट्रीज़ इमिशन इन्वेंट्रीज़ के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो ये जो इन्वेंट्रीज़ होती है इसको ज़रूरत है कि एक फिज़िकल मेज़र ले सके, यानी कि कितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका अमाउंट है उसको मेज़र करे और जो कि एटमोसफेयर में रिलीज़ हो रहा है। अगर ये इमिशन आपका कम होता है तो इसका मतलब है कि कंट्री जो है इन्वेंट्री है वो कुछ ना कुछ इन्वेंट टेक्निक लगा रही है जिसके थ्रू उनकी कंट्री में ये इमिशन कम हो रही है। अगर ये इमिशन रिडक्शन दूसरे कंट्री को सोल्ड किया जा रहा है तो ये उसके दूसरे कंट्री को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। तो इससे क्या हो रहा है कि डबल काउंटिंग हो रहा है। पहला क्या हो रहा है कि या तो वो इमिशन को रिडक्शन ही करना है, तो फर्स्ट में क्या हो रहा है कि वो इमिशन को रिड्यूस करें तो इससे हम लोग को कंट्री की एक पोजीशन अच्छी दिख रही है, लग रहा है कि वो कुछ ऐसा इनोवेटिव मेथड लेकर आ रहे हैं। दूसरा क्या कर रही है कि ये जो इमिशन रिड्यूस हुई है जितनी रिड्यूस हुई है वो दूसरे कंट्री को सेल कर दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो दूसरी कंट्री है वो इसको इस्तेमाल कर पा रही है, और उनकी जो ऑब्जेक्टिव है वो अगर यहाँ पर कार्बन की इमिशन को कम नहीं कर पा रही है तो फर्दर वो कर पाएगी। तो इससे क्या हो रहा है कि इसको हम लोग डबल काउंटिंग कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करना होगा। जब एक कंट्री जो है रिडक्शन को दूसरे कंट्री में सेल कर रही है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस तरीके के रिडक्शंस को काउंट नहीं करें, यानी कि दोनों कंट्री के द्वारा काउंट नहीं करना है, इस तरीके के डबल काउंटिंग को अवॉइड करना होगा, वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट के थ्रू। साथ ही अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि इमिशन रिडक्शंस जो है वो यहाँ पे हमारे जो NDC है उसके इनसाइड और आउटसाइड के स्कोप में भी है। जो इश्यूज़ है वो यहाँ पे अराइज़ हो रहा है कि अगर होस्ट कंट्री अगर ये सेल करती है कार्बन क्रेडिट को तो वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है उस सेक्टर में जो कि आउटसाइड होता है, यानी कि NDC के स्कोप के बाहर है, तो उस कंट्री के क्रेडिट में आ जाती है। तो ये भी हमारा जो है नहीं होना चाहिए। साथ ही जो क्यूटो एरा प्रोजेक्ट का जो ट्रांजिशंस है मेथड है और कार्बन क्रेडिट है, बहुत सारी कंट्री है जो कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ऑन गोइंग जो हमारी CDM प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे होस्ट कर रही है, जैसे कि ब्राज़ील है और इंडिया है। तो
तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो फुल ट्रांजिशंस करने के एरा में है, यानी कि वो कार्बन इमिशंस को कम करने के एरा में आ चुकी है। फिर है कि शेयर ऑफ प्रोसीड जो है वो यहाँ पे ट्रेडिंग से हो रहा है, जो कि एक तरीके का अडेप्शन भी देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग पेरिस एग्रीमेंट में देखें तो यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग रिवाई करें जो भी यहाँ पे आर्टिकल 6.4 के एक्टिविटीज़ से हमें मिल रहा है, यानी कि बहुत सारी जो डेवलपिंग नेशंस है वो यहाँ पे पुश करी है कि आर्टिकल 6.2 को भी वो यहाँ पे एक्वायर करे, एक्सटेंड करे, यानी कि वो यहाँ पे जितनी भी इमिशन को रिड्यूस कर रहे हैं वो दूसरे कंट्री को वो यहाँ पे सेल कर सके। तो जो भी डेवलपिंग नेशंस है वो आर्गू कर रही है कि अगर इस तरीके के सिस्टम जो है दोनों मार्केट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा तो यहाँ पे क्या है कि एक फ्यूअर यानी कि कम प्रोसीड हो पाएगा एडेप्टेशन फंड के लिए। तो इससे क्या होगा कि एक अनबैलेंस सिचुएशन निकल कर आएगी, यानी कि आर्टिकल 6.2 जो है वो लेस रेगुलेटेड होगा, जिसमें कि आपका यहाँ पर बात किया जाता है कि दूसरे कंट्री को आपका सेल करना है, और वहीं अगर हम लोग देखें तो ये आपका जो है आर्टिकल 6.4 जो है यहाँ पर आपका स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और 6.2 आर्टिकल्स जो है वो यहाँ पर ज़्यादा आपका लेस रेगुलेटेड होगा, उसकी लेस इम्पॉर्टेंट भी होगी ऐसा कहा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें जो लोकल स्टेक होल्डर है उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इन्वायरमेंट को भी, और डिलीवर भी करना है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हो सके। अगर हम लोग CDM की बात करें, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात करें, तो इसमें बहुत सारे जो एसेंशियल सेफगार्ड होनी चाहिए जिसके थ्रू जो है हमारे लोकल इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है तो उसको अवॉइड कर सके, तो इसकी कमी है। इससे क्या होगा कि हम लोग को न्यू सेट ऑफ मार्केट को यहाँ पे करेक्ट करना होगा, वो भी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, साथ ही कुछ मीन्स को भी यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो अडॉप्ट करना होगा, यानी कि डिटेल रूल्स भी यहाँ पे रखना होगा कि किस तरीके से हम लोग लोकल स्टेक होल्डर को कंसल्ट करें इमिशन रिडक्शन से पहले जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ हम लोग को कहा जा रहा है कि लेसन लेना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल के CDM से, जो कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। इसमें क्या हुआ है कि रिच कंट्री को अलाउ किया गया है कि जो इमिशन रिडक्शंस है उनको वो खरीद सके डेवलपिंग वन से, और ये कैसे खरीद सकते, कार्बन क्रेडिट करके, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे इमिशन अगर कम कर रही है तो जो डेवलप नेशन है वो उसको ख़रीद लेंगे और वो कार्बन इमिशंस को वो ले लेंगे, और साथ ही जो है उनके बदले में वो फंड देंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तो ये कार्बन क्रेडिट हो गया, जिसको सर्टिफाइड इमिशंस रिडक्शन भी कहा जा रहा है। इसी थ्योरी में देखें तो ये हमारे जो कंट्रीज़ हैं उनको अलाउ करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्बिशियस क्लाइमेट टारगेट को यहाँ पर लेकर आए। अगर ये फेल हो जाता है इस तरीके के कंपेंसेटरी एग्जिस्टिंग इमिशंस जो है, अगर ये फेल भी हो जाती है तो एक तरीके का कंपेंसेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि जो लार्ज यहाँ पे मेजोरिटी है इमिशन रिडक्शंस की वो CDM के ही अंदर है, जो कि यहाँ पे कहीं भी हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि कुछ प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे इमिशन रिडक्शंस को भी सेल करती है, और ये आपका मैंडेट किया गया है कानून के तरफ से भी, तो कुछ यहाँ पे प्रॉफिट भी ले रही है, यानी कि बिना क्रेडिट को सेल करते हुए भी वो यहाँ पे प्रॉफिट ले रही है। तो कंट्रीज़ जो इस तरीके के क्रेडिट के ऊपर जो रिलाई हो रही है कि वो यहाँ पे दूसरे इमिशन रिडक्शंस को रिप्लेस करेगी, तो इसका मतलब है कि जो CDM है वो यहाँ पे इमिशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। अगर हम लोग उस सिचुएशन से कंपेयर करें जहाँ पे कंट्रीज़ जो है अपने टारगेट को मीट करना चाहती है बिना किसी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के ऊपर रिलाई करने से, तो यहाँ पे एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो 85% CDM जो आपका प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ऑपरेट किया जाएगा बिना किसी CDM रेवेन्यू के। तो इसके साथ ही अगर हम लोग देखें तो कुछ प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे CDM के अंदर रजिस्टर किया गया, तो वो काफ़ी सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रही है लोकल लेवल पर, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है ना इसमें एजेंसियाँ जितनी भी ज़रूरत की सेफगार्ड की जो चीज़ है उसकी कमी देखने को मिल रही है। ओके, अब यहाँ पे कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो कार्बन मार्केट सिस्टम है ना इसमें आपका कुछ समथिंग बेटर जो है वो इवॉल्व होना चाहिए, ना कि ऑफसेटिंग होनी चाहिए। इसका एम होना चाहिए कि किस तरीके से ट्रांजिशन को एक्सेलरेट करना है, साथ ही एक चीप तरीका होना चाहिए कि किस तरीके से लोगों की जो एफर्ट्स है उसको रिप्लेस कर सके, और इस तरीके से हम लोग जो है कार्बन इमिशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, साथ ही हम लोग जो है ना जीरो कार्बन ट्रांजिशंस के ही तरफ यहाँ पे ट्रूली ड्राइव करनी चाहिए, और इस तरीके से हम लोग जो है जो कार्बन क्रेडिट का है जो कार्बन मैकेनिज्म है वो सारे फंडे हम लोग यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड है, यानी कि क्लाइमेट के ऊपर कितना ज़्यादा फाइनेंसिंग वगैरह दिया जा रहा है, तो इससे आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। तो आप क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ देखते हैं, पहले समझिए कि क्लाइमेट फाइनेंस कहाँ किसको जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे लोकल, नेशनल और जो ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग है उसके बारे में बात की जा रही है, चाहे ये पब्लिक सेक्टर से हो, प्राइवेट सेक्टर से हो, या फिर कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हो जिससे कि सपोर्ट कर सके, यानी कि उस कंट्री को सपोर्ट किया जाए जो कि अपने क्लाइमेट चेंज से होने वाले इम्पैक्ट को वो एड्रेस करना चाहती है, एक मिटिगेशन करना चाहती है और कुछ ऐसी एक्शन लेकर आना चाहती है जिससे कि वो क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सके। तो क्लाइमेट फाइनेंस जो है ये ज़रूरत होता है मिटिगेट करने के लिए, यानी कि अगर आप लोग अपने कंट्री में कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना चाहते हो उससे होने वाले एडवर्स इम्पैक्ट
से बचना चाहते हो तो यहाँ पे आपका क्लाइमेट फाइनेंसिंग की दी जाएगी। और क्योंकि लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़रूरत है कि इसके थ्रू ही हम लोग यहाँ पे इमिशन को कम कर पाएंगे। क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है एडेप्टेशन के लिए। और जो फिनेंशियल रिसोर्सेज है ये भी ज़रूरत है कि हम लोग एडवर्स इफेक्ट जो हो रही है ना उसको हम लोग अडेप्ट कर सकें और जो भी हमारे क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो इम्पैक्ट हो रही है उसको भी कम कर सकें। अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन FCCC की बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो वो यहाँ पे फिनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए रेडी होती है। साथ ही यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो इस कन्वेंशन में सेट किया गया है और इसके बारे में भी कल हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे मॉर्निंग वाले लेसन में। तो अगर आप लोग इनसाइट्स की हम लोग मॉर्निंग में 4 टू 5 AM के बीच में यहाँ पे अपनी क्वेश्चन सॉल्व करते और इन्वायरमेंट की ही लेसन अभी चल रही है तो अगर आप लोग सॉल्व नहीं किए हो तो मैं यहाँ पे आई बटन में आपको यहाँ पे मार्क कर दूंगी। आप लोग प्लीज़ इसको क्लिक करके ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। बस इसी टॉपिक से ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिससे कि आप लोग को समझ में आएगा कि ये टॉपिक निकल के कहाँ से आई है। ओके, तो ये जो डेवलप किया जाता है ये हमारा डेवलप कंट्री पार्टीज से होती है जो कि कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज से। डेवलपिंग कंट्रीज़ वो होती है जिनमें कि अभी सारी चीज़ों को डेवलप किया जाता है, उनमें ज़्यादा आपका ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं होती है, एडुकेशन अच्छी नहीं होती है, हेल्थ रिसोर्सेज अच्छी नहीं होती है, तो वो काफ़ी जो है डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर ये आपका डिपेंडेंट होते हैं। और डेवलप कंट्रीज़ आपका एक पूर्ण सक्षम कंट्री कहा जाता है जो कि हर एक चीज़ से डेवलप होते हैं, तो उनके पास फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा होती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास फाइनेंस की कमी होती है। इसलिए यहाँ पर इस तरीके के कन्वेंशन से यही कहा जाता है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वो यहाँ पे अगर कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि अभी डेवलपिंग के स्टेज में है और वो अपने यहाँ पे कार्बन इमिशंस को कम करना चाहती है और फाइनेंस चाहती है तो डेवलप्ड नेशंस भी देने के लिए प्रोवाइड होते हैं। साथ ही यहाँ पे ये जो कन्वेंशन है ये एक फिनेंशियल मैकेनिज्म भी इस्टेब्लिश करती है कि वो यहाँ पे फंड प्रोवाइड करे सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ पार्टी को। साथ ही GEF का तो नाम सुने होंगे, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जो कि एक ऑपरेटिंग एंटिटी को भी सर्व करती है वो भी फिनेंशियल मैकेनिज्म के लिए। और कोपेनहेगन अगर हम लोग COP15 की बात करें जो कि 2009 में हुई थी तो कोपेनहेगन एकॉर्ड में क्या कहा गया था कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो वहाँ पे कमिट किए थे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो जो है ना जितना भी उनको यहाँ पे फंडिंग की ज़रूरत होगी वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और टारगेट किया गया था कि यहाँ पे 100 बिलियन जो है डॉलर हर एक साल 2020 तक मोबिलाइज़ किया जाएगा। साथ ही अगर देखें तो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे कमिट करती है कि एक ग्रीन क्लाइमेट फंड इस्टेब्लिश करेगी, वो भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो कि उनके फाइनेंसिंग का होगा। अब COP16 की बात करें जो कि 2010 में, तो पार्टीज यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड को भी इस्टेब्लिश करेगी और ये यहाँ पे क्या कहते की थी 2011 में वो डेजिग्नेट भी की थी कि एक एंटिटी को भी वो ऑपरेट करेगी जो कि फिनेंशियल मैकेनिज्म की होगी। यानी कि इस तरीके से यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि कैसे यहाँ पे बस फाइनेंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। साथ ही कुछ पार्टीज़ हैं जो कि एक स्पेशल फंड भी यहाँ पे इस्टेब्लिश करी है, जैसे स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, तो इस तरीके का आपका जो फंड होता है वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज से होने वाले जितने भी प्रॉब्लम है उसके लिए फंड प्रोवाइड किया जाता है। लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ फंड है यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे फंड दिया जाता है और ये दोनों आपका मैनेज किया जाता है GEF के द्वारा, ठीक है। और एडेप्टेशन फंड भी है जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर में बनाया गया था। COP16 की बात करें तो यहाँ पे पार्टीज़ ने डिसाइड करी थी कि वो यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी को इस्टेब्लिश करेगी, वो भी फाइनेंस के ऊपर, और कॉप को यहाँ पे असिस्ट करेगी कि किस तरीके से यहाँ पे फंक्शंस करना है किसी भी फाइनेंशियल मैकेनिज्म को लेकर। यहाँ पे बायनियल असेसमेंट प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे फाइनेंशियल फ्लो को लेकर जो कि डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाती है। वहीं अगर हम लोग पेरिस एग्रीमेंट जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है COP21 इसके तहत देखें तो यहाँ पे आपकी कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर ऑब्लिगेशंस भी थी और फर्स्ट टाइम अगर देखें तो यहाँ पे इनकरेज किया गया था एक वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि जितने भी अदर पार्टी है वो यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे जिसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से होने वाले एडवर्स इम्पैक्ट को कम कर पाएंगे। जो पार्टीज़ है वो यहाँ पे GCF और GEF के ऊपर एग्रीड हुए थे। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्पेशल क्लाइमेट चेंज जो फंड बनाया गया है, लिस्ट डेवलप्ड क्लाइमेट चेंज बनाया गया, तो ये भी आपका पेरिस एग्रीमेंट के तहत ही सर्व किया जाएगा। डेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो वो यहाँ पे एग्री हो गए थे कि किस तरीके से 100 बिलियन जो हर एक साल यहाँ पे आपका आने वाला है डॉलर उसको कैसे कंटिन्यू करेंगे और ये भी 2025 तक। तो गवर्नमेंट भी वो यहाँ पे एग्री करना चाहते हैं कि एक न्यू कलेक्टिव मोबिलाइजेशन गोल को वो यहाँ पे सेट करेंगे, वो भी 2025 के पहले। पार्टीज़ जो है वो यहाँ पे डिसाइड कर रही है कि जो स्पेशल यहाँ पे क्लाइमेट फंड है उसको भी यहाँ पे आपका जो है पेरिस एग्रीमेंट के तहत ही सर्व करना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं इस तरीके से, तो क्लाइमेट फाइनेंस की आप देख सकते हो कि ब्रॉडर टर्म पे यहाँ पे आपका जो है प्रोविजंस रखा गया है। हर एक तरीके से अगर आपको किसी भी कंट्री को अगर यहाँ पे फंड की ज़रूरत होगी तो वो एक सोर्स नहीं है, एक से ज़्यादा सोर्स है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इशूज़ है, प्रॉब्लम है, तो उसको देख लेते हैं कि क्या क्या है। डिस्कशन जो यहाँ पे किया जाता है क्लाइमेट एक्शंस के लिए फाइनेंसिंग करने के लिए, तो यहाँ पे आपका तीन की एरिया होता है।
सबसे पहला कि कितना अमाउंट में यहाँ पे फाइनेंस करना है। फाइनेंशियल कमिटमेंट जो है क्लाइमेट एक्शन को लेकर, वो यहाँ पे रखा जाता है कि कितना अमाउंट यहाँ पे देना है। तो ये अमाउंट जितना भी है ना, वो एट ऑल आप सफिशिएंट नहीं कह सकते हो। ग्लोबल एनुअल जो फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज जो यहाँ पे दिया जाता है, अगर वो एक साथ आए तो उनकी कॉस्ट यहाँ पे 5.3 ट्रिलियन डॉलर है। अगर फर्दर हम लोग देखें तो सारे ट्रेंड्स यहाँ पे इंकरेजिंग नहीं है, यानी कि करेंटली अगर हम लोग यूएस को देखें तो वो यहाँ पे जीसीएफ के अंदर फंड करने से मना कर दिए, वो फंड ही नहीं करते। तो यूएस में कौन है? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि यहाँ पे हर एक उस कॉपरेशन से, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ गए जिसमें कि यूएस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था। तो वो एक बिजनेसमैन है, उनको ऐसा लगता है कि इस तरीके से कंट्रीब्यूट करना उनके कंट्री के लिए और उनके लिए एक मिस लॉस का एक फंडा होता है। ओके, तो वो प्रॉफिट लॉस में जीते, तो इसलिए वो यहाँ पे फंडिंग नहीं करते। तो यूएस के कॉपरेशन बहुत ज़्यादा की ज़रूरत होती है। अगर वो इस तरीके से कॉपरेशन नहीं करते, यहाँ पे फंडिंग नहीं करते, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? अगर एडेप्टेशंस वॉच रिपोर्ट की अगर देखें, तो वो यहाँ पे देखी है कि 5000 एडेप्टेशन प्रोजेक्ट है जिसकी वर्थ यहाँ पे 10 बिलियन डॉलर ही है, जो कि यहाँ पे OECD कंट्रीज़ के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, जो कि 3 आपका क्वार्टर है, जिसमें हम लोग क्लियर कनेक्शन अगर देखेंगे कि वल्नरेबल जो क्लाइमेट चेंज से होने वाली कंट्रीज़ है उनको यहाँ पे कमी हो जाएगा प्रोवाइड करने में। वहीं अगर हम लोग काटोविस COP24 देखें, जो कि काटोविस में लास्ट टाइम हुई थी, तो यहाँ पे एक इनिशियल आपकी इनिशिएट हुई थी फॉर्मल डिस्कशन कि यहाँ पे न्यू पोस्ट हमारी 2025 तक मोबिलाइजेशन गोल होगी, वो भी 2020 में। तो कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया है, तो वो यहाँ पे बिलीव करती है कि एक डिस्कशन इनिशिएट होना चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग जो है ना एक गोल को सेट करेंगे। साथ ही यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस के लिए जो डेफिनेशन और जो रिपोर्टिंग है उसके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है। हर एक 10 साल में आप देखोगे COP15 के बाद, तो यहाँ पे कोई भी कॉमनली एग्रीड यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते किसको है, क्लाइमेट फाइनेंस कहते किसको है, क्लाइमेट फाइनेंस में क्या टर्म्स एंड आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, इन सारी चीज़ों की कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कशन देखें कि इस बार COP25 में क्या हुआ है, तो यहाँ पे अगर दोनों की बात करें, GEF और GCF, तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइन डॉक्यूमेंट दी गई है जिसके ऊपर यहाँ पे डिबेट हुआ है, और अभी भी यहाँ पे आपका रुका हुआ है कि यहाँ पे वर्क अभी स्टार्ट होगा, और ये आपका स्पेशली लॉस एंड डैमेज के ऊपर ही होगा, यानी कि वो कंट्री पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा जहाँ पे लॉस एंड डैमेज ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो, एक कुछ डिस्कशन हुआ था कि कैसे एक न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल बनानी है, और यहाँ पे जो आपका डेडलाइन थी वो 100 बिलियन डॉलर से था, जो कि 2020 तक थी। अनदर कुछ इश्यूज अगर हम लोग देखें यहाँ पे लॉन्ग टर्म क्लाइमेट फाइनेंस के लेके यहाँ पे कंसीडर किया गया था, तो जो वर्क स्ट्रीम है वो यहाँ पे एग्जामिन कुछ प्रोग्रेस को एग्जामिन कर रही है, साथ ही कुछ क्लाइमेट फाइनेंस को स्केल अप कर रही है, लेकिन यहाँ पे आपका जो ड्यू एंड था ना वो यहाँ पर 2020 तक था। तो इस तरीके की जो डिबेट थी कि यहाँ पे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये सारी कुछ चीज़ आपकी CMA के अंदर रखी गई थी, क्लीन मैनेजमेंट के अंदर। ओके, जो कि हमारे यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट के अंदर थी। वहीं अगर हम लोग देखें तो US यहाँ पे एक्सपेक्ट लगा रही है कि पेरिस एग्रीमेंट से वो बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि US में जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है, उनको ऐसा लगता है कि क्लाइमेट चेंज जैसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इस चीज़ से भी बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो ये बात है। साथ ही यहाँ पे आपका कहा जा रहा है कि हम लोग को गाइडलाइन भी रिपोर्ट करनी है, जो कि COP24 के थ्रू यहाँ पे अप्रूव की गई थी क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, तो वो यहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, वो भी 2 ईयर में, प्रीवियस 2 ईयर में, और उनको ये अलाउ किया जाता है कि ऑलमोस्ट वो लिमिटलेस सेट बनाते हैं फिनेंशियल फ्लो के लिए, इवन नॉन फिनेंशियल एफर्ट्स भी लगाते हैं, जैसे कि कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग कितना है, तो ये सारी चीज़ भी, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे ऑप्शनल और जो स्क्रूटनी है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर उसकी ज़रूरत हो तो। साथ ही यहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म है, अगर हम लोग बात करें पेरिस एग्रीमेंट की, तो वो यहाँ पे कहती है कि एक शेयर ऑफ प्रोसीड होना चाहिए न्यू मार्केट मैकेनिज्म से, जो कि आर्टिकल 6 है, और ये हमें जो है सपोर्ट करेगी कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ में अडेप्टेशन हो। तो ये जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, ये जो है आपका अडेप्टेशन फंड से ही ये आपका डायरेक्ट होकर आया है। तो की डिस्कशन, अगर हम लोग की टॉपिक ऑफ डिस्कशन देखें, तो यहाँ पे आप हमारी शेयर की साइज़ से रिलेट हो रही है, चाहे ये हमारे जो है किसी सारे मैकेनिज्म में अप्लाइड होना चाहिए या नहीं, जो भी हमारे आर्टिकल 6 में ये क्रिएट किया गया है। तो इस तरीके से सारी बातें बताई जा रही है। कंक्लूजन में ये बताया जा रहा है कि अभी भी यहाँ पे कोई भी चीज़ ऑपरेशनल तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कोई भी डिफिनेशन यहाँ पे फाइनली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि हम लोग क्लाइमेट फाइनेंस किसको कह रहे हैं, न्यू एंड एडिशनल क्या बात है, क्लैरिफिकेशन ज़रूरत है। तो क्लैरिफिकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग किसी भी चीज़ पर सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, एक कंसल्टेटिव वे नहीं हो पाएगा, और जो हमारी आँखें हैं वो यहाँ पर पोस्ट 2025 तक जो एक्शन है उस पर देना है, और हमें एक लॉन्ग वे चलना है, यानी कि लंबी दूरी का तय करना है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे ट्रस्ट को इंक्रीज़ कर पाएंगे और कुछ जो कलेक्टिव एक्शन है वो ले पाएंगे। ओके, तो ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक भारी भरकम मैं इसे आर्टिकल कहूँगी,
जो इसमें काफ़ी डेटाज है, काफ़ी चीज़ है जो कि आपको पता चला होगा, तो थोड़ी सी बोरिंग ज़रूर हो गई होगी, लेकिन आप लोग इसको ध्यान देके ज़रूर पढ़िएगा। इससे आप लोग काफ़ी कुछ समझ पाओगे, काफ़ी कुछ रिलेट भी कर पाओगे, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो है इसी में से आपकी बहुत सारी चीज़ बन जाती है। तो चलिए एक और आर्टिकल देख लेते हैं, क्योंकि अभी अभी तक हम लोग एक ही आर्टिकल डिस्कस किए। ओके, तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है ओशन डी ऑक्सीजनेशन। ओके, तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों थी। रिसेंटली एक रिपोर्ट है जिसकी टाइटल ही है ओशन डी ऑक्सीजनेशन एवरी वन प्रॉब्लम। तो ये आपका रिलीज़ किया गया है IUCN की तरफ से। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको ये याद रखना है कि किस तरीके किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इस तरीके की रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो आप पहले समझते हैं कि ओशन डी ऑक्सीजनेशन से होता क्या है। इसका मतलब है कि ओशन में से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जो ओशन है वो ऑक्सीजन कहाँ से गेन करती है, ये अपर लेयर से गेन करती है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, जो कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहने का मतलब है कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑटोट्रॉपिक यानी अपनी भोजन खुद बनाते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो एटमोसफेयर से लेते हैं जिसको वो अंडर सैचुरेटेड वाटर में डिजॉल्व करते हैं। तो ये जो ओशन है जिसमें कि ऑक्सीजन आपका लॉस हो रहा है, ये थ्रू आउट होता है और ये होल वाटर कॉल्यूम है, यानी कि सरफेस में भी होता है और सरफेस से डेप्थ में भी होता है, डेप्थ में भी होता है। जैसे कि ये आपकी पूरी तरीके से ओशन है, तो ओशन की ये आपकी सरफेस है, तो सरफेस में भी आपका ऑक्सीजन लॉस हो रहा है। साथ ही अगर मैं डेप्थ की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, क्योंकि जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल स्पेसिस की कमी हो रही है। ये जो इक्विलिब्रियम है ये आपका आज की डेट में रिसेंट जो डिकेड है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और जो ग्लोबल ओशन ऑक्सीजन इन्वेंट्री लॉसेज है वो हम लोग 1960 से लेकर 2010 तक देखें तो ये 2% तक है। अगर हम लोग इसको 45 साइट से अगर हम लोग कंपेयर करें तो जो लो ऑक्सीजन कंडीशन है वो यहाँ पे है, और रिपोर्ट यहाँ पे फाइंड आउट करी है कि 700 साइट से जो कि लो ऑक्सीजन कंडीशन से 2010 में अफेक्ट हुए थे। तो फर्दर यहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑफ एरिया है जो कि ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पे डिप्लीट हुआ था, जिसको हम लोग एनॉक्सिक वाटर कहते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो बेस्ट नोन जो एरिया है जिसमें कि आपका लो ऑक्सीजन है तो वो बाल्टिक सी है और ब्लैक सी है, जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और कंसेप्ट है यहाँ पे जिसको हम लोग कह रहे हैं ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ वेलिंग सिस्टम। तो ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ वेलिंग सिस्टम जो है ये वन ऑफ द ओशन की मोस्ट प्रोडक्टिव बायोम्स है। इसको सिस्टम को अगर हम लोग डिफाइन करें तो यहाँ पे ओशन करंट है जो कि न्यूट्रिएंट रिच लेकर आते हैं, और ऑक्सीजन जो पुअर वाटर होती है ईस्टर्न एजेस में उसमें यहाँ पे जो है अच्छे खासे न्यूट्रिएंट रिच लेकर ये ऑक्सीजन ओशन करंट लेकर आते हैं। आपको पता है कि ओशन करंट दो तरीके की होती है, एक वार्म करंट होती है, एक आपकी कोल्ड करंट होती है। तो ऑब्वियस है कि जो भी आप देखोगे अगर यहाँ पे करंट आपकी पोलर रीजन से निकल कर आ रही है तो वो यहाँ पे कोल्ड होती है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। अगर हम लोग देखें जो इक्वेटर से यहाँ पे आपकी करंट निकलती है तो वो यहाँ पे वार्म करंट होती है। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी करंट होती है ना वो अपने साइड से बहुत ज़्यादा रिच न्यूट्रिएंट लेकर आती है, और ये पूरी तरीके से उस ओशन में के पानी में जाके मिलती है जहाँ पे पुअर ऑक्सीजन था। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं, और ये ईस्टर्न साइड में जो कि हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ वेलिंग सिस्टम है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बैक टू द आर्टिकल आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि और ये न्यूज़ में क्यों थी। ये जो रिपोर्ट है ये हमारी अपनी 25th सेशन जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है उसी के तहत इसको रिलीज़ किया गया था। इसमें हाईलाइट किया गया है जो ओशंस हैं वो अपनी लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन को कैसे एक्सपीरियंस कर रही हैं, और यहाँ पे बहुत सारे जो मैराइन इकोसिस्टम है उसके लिए ये आपका थ्रेटेंड है, फिश स्पीसीज के लिए है, क्योंकि ओशन में अगर गर्मी होती है, एसिडिफिकेशन होती है, तो जितने भी मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे घातक वाला समय हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन आप जानते हो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हम ह्यूमन बींग हो या फिर ऑर्गेनिजम्स हो, सबको इनहेल करते हैं। अगर इसी तरीके से ओशन में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर अल्टीमेटली उनको जो है सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी। तो अब हम लोग कारण समझने का कोशिश करते हैं कि इस तरीके से ओशन डीऑक्सीजनेशन के पीछे कारण क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो दो रीज़न है, एक तो हमारी जो मेन है होल सोल वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि ओशन बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, और इससे जो ओशन वार्मिंग जो है ना उसके कारण डीऑक्सीजनेशन हो रही है। जो गर्म वाटर है, ओशन की वाटर है, वो लेस ऑक्सीजन को होल्ड करके रखती है, और ये मोर बायोंट है अगर हम लोग कूलर वाटर की तरफ से देखें तो। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड वाटर की जो मिक्सिंग होती है ना वो कम होने लगती है सरफेस में, और इस तरीके से क्या होता है कि इंटेंस होने लगता है, और ये चेंज आपका जो है करंट में और विंड पैटर्न में देखने को मिलता है। जो गर्म वाटर है
जो गर्म वाटर होती है ना, उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड भी यहाँ पे बढ़ने लगती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो फिर इससे क्या होता है कि गर्म वाटर होती है तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जब डिमांड होगा तो लेस ऑक्सीजन के कारण क्या होगा कि मराइन जो लाइफ है वो यहाँ पे जो है ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ओके, तो यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पे एज अ रिजल्ट क्या होगी कि लेस ऑक्सीजन जो है ये अवेलेबल होगी मराइन लाइफ के लिए। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि वार्मिंग ऑफ जो बॉटम्स है, बॉटम के यानी कि जो निचले स्तर पर जो पानी की जो गर्म होती है, उससे क्या होता है कि डिस्टेबलाइजेशन होती है, यानी कि मीथेन गैस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट होती है, जिससे कि हमारा जो रिलीज़ ऑफ मीथेन है वो ज़्यादा हो जाता है, वो भी सेडिमेंट से। और उसके बाद एरोबिक जो रिस्पिरेशन है मीथेन का, वो यहाँ पे आपका सब्सिक्वेंट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। सेकेंड चीज़ क्या है कि यूट्रोफिकेशन होती है, इट मीन्स कि न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन हो जाती है। इससे अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन जो है जो कोस्टल वाटर में अगर आपकी कम होती है तो ये एज ए फर्टिलाइज़र होती है, सीवेज होती है, एनिमल और एक्वा कल्चर वेस्ट होती है, जिसके कारण जो है हमारे एल्गी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो कम होने लगती है और जो ऑक्सीजन है वो डिकम्पोज भी होने लगती है। तो मेन फीचर अगर हम लोग कोस्टल एरिया का देखें तो वो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड होती है, क्योंकि यहाँ पर हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ यहाँ पे लॉन्ग वाटर रिसाइडिंग टाइम होती है, जो कि जैसे फाइटोप्लैंकटन है तो वो सबको यहाँ पे डेवलप होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ऑक्सीजन की भी ज़्यादा यहाँ पे आपकी ज़रूरत हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो रिड्यूस डीप वेंटिलेशन है ये, तो यहाँ पे आपका एक दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो है वाटर में डीऑक्सीजनेशन हो रही है। ओके, तो इससे बेटर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इससे क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहला, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो मैराइन ऑर्गेनिजम्स पे आपका यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, कि यहाँ पे जो है जब वो लोग फूड खाते हैं, जैसे मैराइन ऑर्गेनिजम्स जो है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इससे वो ग्रो हो पाते हैं, फिर से रिप्रोड्यूस हो पाते हैं, तो फिर रिपेयर डैमेज जो है वो यहाँ पे हो पाएगा। और मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन होती है तो रिपेयर भी हो पाती है, लेकिन अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल इनसफिशेंट है तो ऑर्गेनिज्म जो है नेसेसरी एनर्जी नहीं ले पाएंगे। ओशन जो वार्मिंग है, ओशन जो डीऑक्सीजनेशन है, और ओशन एसिडिफिकेशन है, ये मेजर स्ट्रेसर्स है जो कि मैराइन सिस्टम में देखने को मिलता है। फिशरी के ऊपर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑक्सीजन जो डिक्लाइन होती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फिशेस वगैरह जो ऑक्सीजन लेती है वो ओशन में ही लेती है, वाटर में ही लेती है, तो इससे वो जो है उनको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे फिश कैच जो है वो भी यहाँ पे आपका कम हो जाएगा, और इकोनॉमिक प्रॉफिट भी जो है वो भी हमें डिक्रीज़ होने लगेगी। अगर हम लोग इकोसिस्टम के सर्विसेज देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग नेगेटिवली अफेक्ट होगा, यानी कि कंबाइंड अगर हम लोग डी ऑक्सीजनेशन है, पॉल्यूशन है, साथ ही ओशन एसिडिफिकेशन है, तो इससे भी प्रॉब्लम होगा। क्लाइमेट चेंज की तरफ से देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो कम होते जा रही है, इससे हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशन है वो बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि मीथेन बढ़ेगा और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। फिर अगर हम लोग फीडबैक यहाँ पे मैकेनिज्म में देखें तो ऑक्सीजन लॉस जो है ये डायरेक्टली हमारे कार्बन से रिलेटेड है, और दूसरे न्यूट्रिएंट साइकिल जो कि सेडिमेंट्स में है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन हो जाता है, यानी कि इसको हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इससे अगर हम लोग देखें कि ऑक्सीजन जो लॉस होती है कोस्टल वाटर में, जैसे कि फर्टिलाइज़र जैसा सीवेज, या फिर एनिमल और एक्वा कल्चर वेस्ट जो होती है, इससे एल्गी और ज़्यादा ग्रोथ ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है जो ऑक्सीजन है वो डिप्लीट हो जाती है और वो एज अ डिकम्पोज होने लगती है। तो जो मेन फीचर्स है हमारे कोस्टल एरिया का कि वो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड होती है, तो ये है कि हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्शन होता है, साथ ही यहाँ पर लॉन्ग जो है वाटर रिसाइड टाइम होती है, तो इसलिए भी यहाँ पर आपका न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन होने लगता है। उसके बाद अब इम्पैक्ट देखते हैं कि इस तरीके से ओशन में जो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड होती है, तो इससे इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि हर एक लेवल में होता है। मैराइन ऑर्गेनिजम्स में होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे मैराइन ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत है कि वो अपने फूड को यहाँ पे एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। अगर उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और लास्टली जो है उनके अंदर अगर एनर्जी नहीं होगी तो लास्टली वो डेथ कर जाएंगे। साथ ही अगर फिशरीज़ के ऊपर देखें तो ऑक्सीजन ही वो है जो आप जानते हो कि फिशेज़ वगैरह जो है ओशन में ही ऑक्सीजन लेती है, तो इसलिए ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इस तरीके से नहीं मिल पाएगा उनको ऑक्सीजन, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो फिर उनको ये काफ़ी लॉस हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ जो फिश कैचेस है, ये सारी चीज़ें रिड्यूस होने लगेगी। इकोसिस्टम सर्विस देखें तो ये नेगेटिवली अफेक्ट करती है हमारे हमारे इकोसिस्टम को, अगर यहाँ पर डीऑक्सीजनेशन है, पॉल्यूशन है, और ओशन एसिडिफिकेशन है। क्लाइमेट चेंज की तरफ से देखें तो जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे जो डिक्रीज़ हो रही है, उससे हमारी ग्रीन हाउस गैस की जो इमिशन है वो और ज़्यादा बढ़ती है, और इससे हमारी जो मीथेन और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो इमिशन है वो और ज़्यादा बढ़ती है। ओके, तो ये प्रॉब्लम है।
साथ ही फीडबैक मैकेनिज्म में देखें तो ऑक्सीजन जो लॉस हो रहा है ये डायरेक्टली हमारे कार्बन से ही रिलेटेड है और दूसरे न्यूट्रिएंट साइकिल से ही रिलेटेड है। तो ये जो रिसाइकिलिंग है फॉस्फोरस का मेराइन सिस्टम में, ये इन्हांस हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉस्फोरस हो जाता है अगर ऑक्सीजन की लेवल जो है कम होने लगती है। ओके, तो इस तरीके की चीज़ बताई जा रही है। यहाँ पे एक इंडिया स्पेसिफिक डेटा है जो कि इंडियन ओशन में ही है, जो इंडियन ओशन के लिए है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो लो ऑक्सीजन जोन है इंडियन ओशन का, वो एक्सपेक्ट लगाया जा रहा है कि और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, इंटेंसिफाई होते जा रही है। यानी कि जो इंडियन ओशन नॉर्दर्न में है, इसमें 2/3 जो है ग्लोबल कॉन्टिनेंटल मार्जिन एरिया है, जो कि यहाँ पे वेरी लो ऑक्सीजन वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है, और यहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेचुरली फॉर्म्ड शैलो लो ऑक्सीजन जोन है। ओके, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कोई भी अगर कंट्रीज़ यहाँ पे सेमी इनक्लोज बेसिन के अगर चारों ओर हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्वार्टर ऑफ जो ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन है इंडियन ओशन इन्वायरमेंट में, बायोडाइवर्सिटी में, लिविंग रिसोर्सेज में, तो ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है उस सिचुएशन में। लेकिन अभी तक ये क्लियर एविडेंस नहीं मिला है कि अरेबियन सी में यहाँ पर ऑक्सीजन मिनिमम जोन है कि नहीं है, ये हम लोग इंडियन ओशन वाले रीजन में देख रहे हैं। एक इम्पैक्ट और है कि ये पीपल के ऊपर भी है, यानी कि जो भी लो एटीट्यूड में जो पीपल है, कोस्टल अर्बन में है, रूरल पॉपुलेशन में है, पुअर हाउसहोल्ड में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके ओशन से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जितना भी वो सी फूड वगैरह खाते हैं तो वो ओशन से ही मिलता है। अगर ओशन में इस तरीके से ऑक्सीजन की कमी होगी तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म से उनकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड जो अमाउंट की जो यहाँ पे आपकी फूड है वो लोगों को नहीं मिल पाएगी, तो लोकल में भी यहाँ पे आपकी जो है फूड की कमी के कारण काफ़ी डिजीजेस हो जाएंगे, फिर फर्दर उनको जो है और ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सारी इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, हालांकि ये सारा कुछ यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताते चलती हूँ। अब यहाँ पर पोटेंशियल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि हम लोग को सबसे पहले जो ज़रूरत है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना है, फिर न्यूट्रिएंट रिडक्शन स्ट्रैटेजी लेकर आना है कि किस तरीके से जो न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट की जो यहाँ पे कंसंट्रेशन उसको कम करने की ज़रूरत है, जो हमारी ऑक्सीजन ऑब्जर्वेशन और जो एक्सपेरिमेंटेशंस है उनको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, असेसमेंट करते रहना होगा करेंट स्टेटस क्या है और पैटर्न क्या है, किस तरीके से ऑक्सीजन की जो है लेवल चेंज हो रही है, कंटिन्यू असेसमेंट इम्प्रूवमेंट करनी होगी ऑक्सीजन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट की, हमें लो कॉस्ट जो सेंसर है उसको यहाँ पे मोर एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग बनानी होगी, और इसको कोस्टल वाटर के अंदर यहाँ पे रखना होगा, अगर ऑक्सीजन लेवल इससे डाउन होता है तो हमें वार्निंग अलार्म मिल सके। हमें जो इफेक्ट है वो असेसमेंट करनी होगी ह्यूमन इकोनॉमीज के ऊपर, क्योंकि जो ऑक्सीजन की डिक्लाइन हो रही है वो सब जगह से सबको इफेक्ट कर रही है, फिशरीज, एक्वाकल्चर, लाइवलीहुड, हर किसी को यहाँ पे बैडली इम्पैक्ट कर रही है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये वेकअप कॉल है, जो कि ज़रूरत है आज की डेट में कि हम लोग ड्रास्टिक यहाँ पे अपनी एम को रेज कर सकें, एम्बिशन को रेज कर सके, इमीडिएट हमें कर्व करने की ज़रूरत है जो भी ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन हो रही है, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की। तो यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है कि एक अच्छा खासा हम लोग यहाँ पे एक्शन लें जिसके थ्रू क्लाइमेट चेंज के द्वारा होने वाला जो भी इम्पैक्ट और जो भी चेंजेस उसको हम लोग टैकल कर सके, और अर्थ में जितनी भी लाइफ है उसको एक फेवरेबल कंडीशन हम लोग प्रोवाइड करें। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं, हमारी टाइम बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गई है। साथ ही आप लोग नेक्स्ट आर्टिकल भी देख सकते हैं, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में आप लोग देखोगे तो इस तरीके की जो टॉपिक्स है उससे क्वेश्चंस पूछी गई है, तो आई होप कि इस बार भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हम लोग देखेंगे, लेकिन कल मैं हम लोग इसको स्टार्ट करूँगी। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।